अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गुल किचन। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार मीठा, और ये मज़ेदार मीठा है गुड़ के चावल। बहुत से लोग गुड़ के चावल बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको गुड़ के चावल की रेसिपी अच्छे से बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिए आधा किलो ये बासमती अच्छे चावल, इनको मैंने बॉईल कर लिया। चावल नमक के बगैर बॉईल करने हैं, और इतने थोड़ा सा इसमें कसर रखें ताकि ये फिर जब हम इसका ये गुड़ का चाशनी बनाएं तो उसमें ये चावल अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। आधा किलो मैंने लिया है अच्छा गुड़, ठीक है। उसके बाद आप एक प्याली भर के आप घी लेंगे, या आधा पाव या ये एक प्याली भर के घी लेंगे। एक खाने का चम्मच आप बटर लेंगे। हमें चाहिए इसके लिए एक खाने का चम्मच बादाम, इस तरह ये कटे हुए। एक खाने का चम्मच नारियल, और ये किशमिश। आप खाने का चम्मच से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा अपने वाला लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा इसको क्वांटिटी इसकी बढ़ा लें। 5-6 आप ये छोटी इलायची लेंगे, इस तरह तोड़ ली है मैंने ये, और 5-6 ये लौंग लेंगे, तो और ये केड़ा खाने में जो इस्तेमाल होता है, आप इसको बनाने के बाद एक चाय का चम्मच पानी में मिक्स करके चावलों के ऊपर इसको डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये गुड़ है, गुड़ का हमने गुड़ की चाशनी बनानी है, और वो हम किस तरह बनाएंगे। आप पैन लें, ये पैन लें, पैन में आप गुड़ डाल लें सारा। ये इसको इतने ऐसे मैंने पीसीस में तोड़ लिया था, बड़े बड़े पीसीस ना हों क्योंकि उनको फिर घुलने में काफ़ी आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप ये गुड़ के इतने पीसीस कर लें आराम से, ताकि ये घुल जाए और इसकी चाशनी अच्छे से बन जाए। अब इसमें आप इतना पानी डालें, ये गुड़ सारा इसके अंदर अच्छे से डूब जाए। पानी आप एक अंदाजे से गुड़ के मुताबिक भी डाल सकते हैं, इतना कि ये सारा गुड़ इसके अंदर डिप कर जाए। और क्योंकि जब ये गुड़ पिघलेगा तो इसका अपना भी काफ़ी सारा ऐड हो जाएगा, शीरा बन जाएगा। अब हमने इसको 10-15 मिनट इतना पकाना है कि ये गुड़ सारा इसमें मेल्ट हो जाए, लेकिन चाशनी ज़्यादा गाढ़ी ना होने पाए, ये इसका ख्याल रखना है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी होती नज़र आती है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको 10 मिनट पकने के लिए रख देती हूँ ताकि ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखें, ये हमारी गुड़ की चाशनी तैयार है। ये मैं आपको थोड़ा ऐसे करके दिखा देती हूँ अच्छी तरह। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो आप थोड़ा उस क्वांटिटी से पानी कम डालिएगा जितना मैंने इसमें ऐड किया था। 10 मिनट इसको पकाएं अच्छी तरह, ये इस तरह से बन जाएगी। ये देखें बस इतनी चेक, ये चाशनी अब हमारी बिल्कुल तैयार है। चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको, ये जो घी हमने लिया था, इसको सारा मेल्ट करेंगे इसमें। सारा घी आप इसमें डाल दीजिए अच्छी तरह।
अब ये जो मैंने बादाम और ये नारियल इस तरह काटा हुआ और किशमिश मैंने लिया था, उसको मैं पहले थोड़ा सा इसमें घी में रोस्ट करके निकाल लूँगी, क्योंकि अगर मैंने वैसे ही ऊपर से चावलों पे डाला तो वो क्रिस्पी नहीं होगा। इस तरह घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी तो ये क्रिस्पी बहुत मज़ेदार लगेगा ये मेवा। इसको मेल्ट करें पूरा घी को। थोड़ी सी आँच ज़्यादा कर दें ताकि ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब आप इसमें ये डालें नारियल और किशमिश और ये बादाम। ये देखिए ये अच्छा सा फ्राई हो गया, किशमिश नारियल और बादाम क्रिस्पी। ये ऐसा करते हैं, अब हम ये निकाल लेते हैं। क्रिस्पी मेवा आप ऐड करते हैं गुड़ के चावलों में, ये बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे ही अगर आप डाल देंगे तो वो कच्चा कच्चा सा लगेगा। अब थोड़ी आँच इसकी चूल्हे की आप बिल्कुल स्लो कर दें और अब ये 4-5 लौंगे और ये इलायचियाँ मैंने डाली हैं इसमें। कर लगाएंगे आज बिल्कुल याद रखिए स्लो कीजिए और थोड़ा सा आप पीछे हटकर बिल्कुल थोड़ा सा फासला रखकर आप ये चाशनी जो है इसमें ऐड करेंगे। फासला रखकर बिल्कुल चेहरा इसके करीब नहीं लाइएगा, इसको आपने स्टेन करना है। अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी है, जितना जल्दी हो सके आप इसको चावलों के इसके अंदर ऐड करें। फैलाते जाएं, इस तरह मिक्स करते जाएं साथ साथ। इसमें ज़रा आपने बहुत एहतियात से लेकिन जल्दी इसको सारा हमने मिक्स करना है ताकि जो चाशनी है नीचे वो जमे। हल्के हल्के से आप इसको चम्मच को चलाइए। इस सारी चाशनी में आपने चावल जो हैं वो मिक्स करने हैं। लेकिन चावल इस तरह चलाएं कि वो टूटे ना। ओके,
अगर आप घी ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो मैंने मेवा के रखा था, आप इसको इसमें ऐड करें। और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख दें। ये अब हम देखते हैं, ये देखिए हमारे गुड़ के चावल, मज़ेदार गुड़ के चावल तैयार हैं। क्रिस्पी मेवा मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया था, दम लगाने से पहले ही मैंने इसको कवर कर दिया था मेवे से। आप इसको 20 मिनट तक रखिए, पहले 2-3 मिनट तक आप लाइट सी बिल्कुल आंच पर, तेज़ आंच पर रखिए, और फिर बिल्कुल मध्यम आंच पर आप इसको 20 मिनट तक दम पर लगाइए। और बीच में आप चेक कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी आपको लगे कि अभी नहीं तैयार, तो 5 मिनट के लिए आप दोबारा इसको धीमी आंच पर दम पर रख दें। ये तैयार हैं। अब मैं इसमें थोड़ा वाटर ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून मैंने पानी लिया है। इस पे मैंने 3-4 हाफ मैंने इसमें केउड़ा वाटर डाला है, और मैं इसको इसके ऊपर ऐसे सारा ऐड कर दूँगी, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके मैं इसको फिर डिश आउट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर दिए, गुड़ के चावल तैयार हो गए हैं, और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी मेवे के साथ। ये मैंने बटर ऊपर से इसके ऐसे गार्निशिंग में डालना है, चांदी कवर के लगा दिया है मैंने इसके ऊपर। और आप लोग इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार गुड़ के चावल मैंने तैयार किए हैं, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर सीखिएगा। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार मीठी नमकीन डिशें लेकर हाज़िर होती रहूँगी, और आपको सिखाती रहूँगी। आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर एक नई डिश के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।